तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। उनकी पहली फिल्म महाराज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो तो गई है। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने किया है। फिल्म में जुनैद खान के अलावा जयदीप अहलावत और शालिनी पांडे लीड रोल में है। फिल्म की कहानी सौरभ शाह की किताब महाराज पर आधारित है। जुनैद खान ने एकदम नए विषय और कहानी के साथ दस्तक दी है। महाराज जैसी फिल्म करने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत है और जुनैद खान ने यह हिम्मत दिखाई है। तो आइए जानते हैं कि मूवी है कैसी। महाराज की कहानी और डायरेक्शन पे बात करते हैं। महाराज की कहानी करसन जुनैद खान और जेजे जयदीप अहलावत की है। करसन समाज में सुधार लाना चाहता है और जाति पाति नहीं मानता, विधवा विवाह में यकीन करता है। जेजे एक संप्रदाय का प्रमुख है और वो धर्म के नाम पर लोगों के अंधविश्वास से खेलता है और लड़कियों का गलत फायदा उठाता है। फिर जेजे की वजह से करसन की जिंदगी में तूफान आ जाता है और करसन जेजे की हकीकत लोगों को दिखाने और उसकी काली दुनिया को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। इस तरह सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने एक जोरदार कहानी को चुना है जिसमें धर्म और अंधविश्वास के नाम पर लड़कियों को ठगे जाने की कहानी दिखाई है। हालांकि फिल्म देखने के बाद यशराज फिल्म की महाराज ओटीटी पर रिलीज करने का फैसला एकदम सही है, क्योंकि डायरेक्शन और माहौल थोड़ा कमजोर कड़ी है। आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, ऐसे में उनके बेटे जुनैद खान से काफ़ी उम्मीदें हैं। पहली नज़र में एक्टिंग टेस्ट में तो जुनैद खान पास हो जाते हैं। उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस पर अच्छे काम किए हैं और किरदार में भी काफ़ी गहरे उतरे हैं। हालांकि उनकी डायलॉग डिलीवरी में कहीं ना कहीं थिएटर का भाव दिखता है। उन्हें रंगमंच की दुनिया से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, सिनेमा के भाव को पकड़ना होगा। तो वहीं जयदीप अहलावत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि एक्टिंग के मामले में उनका कोई तोड़ नहीं है। जयदीप अहलावत ने जेजे का किरदार निभाया है और जिस तरह से एक्सप्रेशंस और कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ा है वो जोरदार है। फिल्म में शालिनी पांडे ने भी अपने किरदार को अच्छे से पकड़ा है। हालांकि शर्वरी वाघ की वजह से जरूर फिल्म का फ्लो टूटता है और डायलॉग्स डिलीवरी बेहद मुझे कमजोर सी लग रही है। हालांकि देखा जाए कि जुनैद खान ने अच्छी कोशिश की और उनकी जो पहली शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि उनको आगे और भी बड़ी बड़ी फिल्में मिलती रहेंगी। फिलहाल मैं इस मूवी को दोस्तों 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूँगा। बाकी अगर आपने ये मूवी देखी है तो नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।